जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। बालाकोट में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का सच, इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस ने दिखाई अपनी कैपेबिलिटीज। अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कोई डिफिकल्टी तो इसे 27 अगस्त तक किया जा सकता है पोस्टपोन। भारत के कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम्स लिमिटेड को मिला आर्मर्ड व्हीकल चेसिस को सप्लाई करने का एक्सपोर्ट ऑर्डर, और ताइवान स्टेट में चाइना की न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्रैश होने वाली रिपोर्ट। तो सबसे पहले आज बात करते हैं उस खबर के बारे में जिसने आज सुबह सुबह भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगह हर किसी को शॉक कर दिया था। हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, और ये जो खबर थी ये भारत के जाने माने हिंदी अखबार दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर दिखाई दी थी, और जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत के करीब 12 से 15 कमांडोज ने राजौरी पूंछ में LOC से 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड्स तबाह किए, जिसमें 7 से 8 आतंकी को ढेर किया गया, और इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे के हमारे कमांडोज सकुशल वापस लौटे हैं। लेकिन आपको ये स्पष्ट कर दे कि ये दावा गलत है, और ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन ऑलरेडी दे दिया गया है, और PIB फैक्ट चेक ने भी इस दावे को गलत बताया है। बल्कि हुआ ये था कि कल 21 अगस्त को बालाकोट सेक्टर के हमीरपुर क्षेत्र में 2 आतंकियों ने खराब मौसम और घने कोहरे का फायदा उठाकर LOC पर घुसपैठ करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे अलर्ट आर्मी ट्रूप्स ने इन घुसपैठियों को देख लिया, फिर जिसके बाद उन्हें चुनौती दी गई और प्रभावी ढंग से की गई गोलीबारी में उन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों को उस क्षेत्र से वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया गया, और इस गोलीबारी में दोनों ही आतंकियों को गोली भी लगी, लेकिन वो किसी तरह से खराब मौसम का फायदा उठाकर LOC के पार जाने में कामयाब रहे। लेकिन उनमें से एक आतंकी तो LOC पर ही गिर गया, जबकि दूसरे ने आगे जाके दम तोड़ा, और फिर जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो फिर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और इसी ऑपरेशन के दौरान एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 राउंड्स, 2 ग्रेनेड्स और पाकिस्तानी ओरिजिन की कुछ मेडिसिंस भी बरामद की गई हैं, जबकि खून के कुछ निशान भी मिले हैं जो कि LOC की ओर जाते हुए देखे गए। और जबकि जम्मू बेस्ड डिफेंस PRO लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल की तरफ से बताया गया कि उन्हें मल्टीपल एजेंसी से इंटेलिजेंस इनपुट्स रिसीव हुए थे कि बालाकोट सेक्टर के अपोजिट LOC के पार से कुछ आतंकी घुसपैठ करने का इंतजार कर रहे हैं, और फिर इन्हीं इनपुट्स के आधार पर सर्विलेंस ग्रिड को और मजबूत किया गया और सुटेबल लोकेशंस पर मल्टीपल एम्बुशेस लगाए गए। और जैसे ही आर्मी के अलर्ट ट्रूप्स ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को LOC पर घुसपैठ करते हुए देखा तो उस पर हमारे ट्रूप्स की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई, जबकि इस महीने पुंछ में LOC के साथ ये दूसरी बड़ी घुसपैठ है जिसे आर्मी ने नाकाम किया है। 3 नई थिएटर कमांड्स को क्रिएट करने की तरफ काम करते हुए आज मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज के टॉप मिलिट्री कमांडर्स के साथ विचार विमर्श किया है, जिसमें खास तौर पर मैरीटाइम थिएटर कमांड और मैरीटाइम डोमेन से जुड़े हुए इश्यूज को डिस्कस किया गया, और CDS के साथ इस मीटिंग में अंडमान एंड निकोबार कमांड, सदर्न एयर एंड नेवल कमांड, नेवी की वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड्स, उन सभी के सीनियर मिलिट्री कमांडर्स मौजूद थे, और उनके साथ मिलकर मैरीटाइम थिएटर कमांड के फ्यूचर स्ट्रक्चर और रिस्पांसिबिलिटीज को डिस्कस किया गया, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज के प्रमुख के साथ मिलकर इंटीग्रेशन वाले इश्यूज और डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ऑपरेशंस, तो इन सभी के लिए जो कॉमन रूल्स हैं तो उनके इंटीग्रेशन पर भी काम कर रही है। बाकी इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स, स्मॉल आर्म्स, एयरक्राफ्ट, तो इस तरह के इक्विपमेंट के जॉइंट मेंटेनेंस पर भी विचार किया जा रहा है, जो कि समय और पैसा दोनों को ही सेव करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये जो मीटिंग है ये वेस्टर्न नेवल कमांड में आयोजित की गई थी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज असम के जोरहाट जिले में इंडियन एयरफोर्स ने गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट, अपने कुछ स्पेशलाइज वेपन्स, इक्विपमेंट्स, AN-32 एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ लैंडिंग, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और Su-30 MKI फाइटर्स की कुछ कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित किया था। और आपको बता दें कि ईस्टर्न थिएटर से उत्पन्न होने वाले किसी भी थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में Su-30 MKI फाइटर्स के स्क्वाड्रन को भी इंडक्ट किया है। और इसी दौरान ANI के साथ बात करते हुए स्क्वाड्रन लीडर दीपक गुर्जर का कहना था कि जो भारत के Su-30 MKI फाइटर्स हैं जो कि भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और इनमें जिस तरह के वेपन्स लगाए गए हैं वो काफी कमाल के हैं, काफी प्रभावी हैं, और ये एयरक्राफ्ट किसी भी राइवल एयरक्राफ्ट को टैकल करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। और हाँ, बाकी स्पेशल फोर्सेस से याद आया, आज हमने अपने डिफेंस इनसाइट चैनल पर स्पेशल फोर्सेस को लेकर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो पब्लिश करी है, और इस वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा करी है कि क्या भारत की स्पेशल फोर्सेस दुनिया के नंबर 1 स्पेशल फोर्सेस में आती है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, जो कि हमारे डिफेंस इनसाइट चैनल पर उपलब्ध है। तो जैसा कि भारत के चंद्रयान 3 पर अब पूरी दुनिया की नजर है, और इसरो की तरफ से ऑलरेडी बता दिया गया कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो कल 23 अगस्त को शाम को करीब 6:04 पर मून के साउथ पोल पर लैंडिंग परफॉर्म करेगा, और ये मिशन ऑन शेड्यूल है, सारे सिस्टम्स के रेगुलर चेक्स किए जा रहे हैं, और इसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो शाम को 5:20 पर शुरू होगा। और जबकि विक्रम लैंडर के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने मून की कुछ और तस्वीरें भी भेजी हैं, जिसे इसरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है।
और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर आज ANI के साथ खास बातचीत में नेहरू प्लेनेटेरियम में सीनियर इंजीनियर OP गुप्ता की तरफ से ये भी बताया गया कि फिलहाल अभी तक इसरो की तरफ से इस मिशन को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर कोई डिफिकल्टी आती भी है तो भी इस बार इसरो ने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें इतना एक्स्ट्रा फ्यूल रखा गया है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसे 4 दिन आगे तक पोस्टपोन किया जा सकता है, यानी कि 27 अगस्त तक। और जबकि इस पर इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई का ये कहना है कि कल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ और चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर इस बात का निर्णय करेंगे कि उस समय इसके लैंडिंग कराना सही रहेगा या नहीं। अगर एंड मूवमेंट में कोई डिफिकल्टी फेस होती है तो इस लैंडिंग को 27 अगस्त तक पोस्टपोन करने के लिए इसमें पर्याप्त फ्यूल मौजूद है। बाकी इस बार विक्रम लैंडर में हाई रेजोल्यूशन कैमरा को इंस्टॉल किया गया है जो कि इनिशियली 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सेफ लैंडिंग के लिए मून के सरफेस को मॉनिटर करने में मदद करेगा और उम्मीद यह है कि एक सूटेबल स्पेस ढूंढने के बाद इसे समय पर लैंड कराया जाएगा। और चंद्रयान 2 के मुकाबले इस बार चंद्रयान 3 के पास लैंड होने के लिए और भी ज़्यादा एरिया है क्योंकि चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग प्राथमिकता है। बाकी हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए आप सभी प्रार्थना जरूर करें। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इंडियन आर्मी ने 5 मीटर के शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस की खरीद के लिए LNT के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और LNT द्वारा सप्लाई किए जाने वाले शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस आर्मी के मैकेनाइज कॉलम्स की मोबिलिटी को इन्हेंस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत फोर्स की डिफेंस सब्सिडियरी कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम्स लिमिटेड ने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को आर्मर्ड व्हीकल चेसिस और कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए 850 करोड़ रुपए तक की कीमत के 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर्स प्राप्त किए जिन्हें 18 महीनों के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि DRDO लेबोरेटरी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी कि NSTL तो इसने सोमवार को अपने 54th रेजिंग डे को सेलिब्रेट किया था और इसी इवेंट को संबोधित करते हुए NSTL में नेवल सिस्टम एंड मटेरियल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वाई श्रीनिवास राव का यह कहना है कि NSTL इंडियन नेवी के लिए सबमरीन को भी डिजाइन करने में सक्षम है और उनका यह भी कहना था कि वे आशा करते हैं कि NSTL अंडर वाटर वेपन्स के प्रोडक्शन के लिए एक इंडस्ट्री हब बने। बाकी बता दें कि NSTL DRDO की वो लेबोरेटरी है जो कि नेवल वेपन्स और उससे जुड़े हुए सिस्टम्स जैसे कि अंडर वाटर माइंस, टॉपिडोज, फायर कंट्रोल सिस्टम, वेपन लॉन्चर्स, टारगेट्स, डिकॉयज, तो इन सभी की रिसर्च और डेवलपमेंट में शामिल रहती है और इनके द्वारा कई सारे सिस्टम्स को बनाया भी गया है जैसे कि एंटी टॉपिडो डिकॉय सिस्टम, हेलीकॉप्टर फायर कंट्रोल सिस्टम, माइंस, सबमरीन फायर डिकॉय, टॉपिडो एडवांस लाइट, वरुण अस्त्र हैवी टॉपिडो और इस तरह के और भी कई सिस्टम्स पर NSTL ने काम किया है और इसके द्वारा फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स पर भी काम किया जा रहा है। आज सुबह कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि चीन के एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को ताइवान स्ट्रेट के पास मिशन परफॉर्म करते समय एक बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा है और इस दुर्घटना में सबमरीन में सवार सभी चाइनीज ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है। और रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी CCP मिलिट्री कमीशन हेडक्वार्टर्स को कल 21 अगस्त को दी गई थी जिसमें चाइनीज नेवी की टाइप 093 अटैक न्यूक्लियर पावर सबमरीन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात की गई है। लेकिन इन रिपोर्ट्स को लेकर आज मंगलवार को ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने क्लियर किया है कि ताइवान स्ट्रेट पर चाइनीज न्यूक्लियर पावर सबमरीन के दुर्घटनाग्रस्त होने वाले इस रूमर की पुष्टि के लिए कोई भी सबूत नहीं मिला है और चूंकि ताइवान के जॉइंट इंटेलिजेंस और सर्विलेंस एपरेटस ने इस सबमरीन क्रैश का कोई एविडेंस डिटेक्ट नहीं किया है तो ताइवान MND के मुताबिक ये सारे रूमर्स फिलहाल अभी निराधार हैं। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिलहाल अभी तक इस क्रैश को लेकर कोई भी ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्मेशन भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के जो माउथपीस है गोबर टाइम्स, उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है और उन्होंने चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन के क्रैश को लेकर ना तो हाँ कहा है और ना ही ना कहा है। और अगर गोबर टाइम्स का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो वे इस मामले पर तो आगे रहते ही हैं कि अगर CCP के खिलाफ कुछ भी आ रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए वो पोस्ट जरूर कर देते हैं, लेकिन इस वाले मामले पर कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिला है तो इसी वजह से पूरा मामला अभी भी सस्पिशियस बना हुआ है। बाकी आपको बता दें कि चीन ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है और ये क्राइसिस दिन प्रतिदिन और भी गहरा होते जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि चीन का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% से ज़्यादा हो चुका है। और अब इन सब चीज़ के बीच ऐसे रिपोर्ट का आना कि चाइना की न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्रैश हुई है तो ये रिपोर्ट्स कई तरह के प्रश्न जरूर खड़े करती है। बाकी इस पर आपको जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2008 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल जे थॉमस, मेजर AK जैन, कैप्टन ए मुस्तफ़ा, नायक हंसराज, लांस नायक मनोज कुमार और सिपाही पल्लव मैती, तुम्हारे इन वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और कर्नल जे थॉमस को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज एक दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में ही देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर अमित आहूजा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड्स की किस कैटेगरी में आता है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।